माइलस्टोन जूनियर जुनवानी में शनिवार को अभिभावक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा पहली, तीसरी और छठवीं के विद्यार्थियों ने अभिभावक गण उपस्थित हुए। अभिभावकों ने विद्यालय प्रांगण का निरीक्षण कर अपने बच्चों की शिक्षिकाओं से मुलाकात की। इस कार्यक्रम के दौरान अभिभावक विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं एवं सुरक्षा के बारे में जानकारियाँ लेकर बच्चों के बुद्धि स्तर के विकास के लिए की जाने वाली कार्य विधियों का संज्ञान लिया। ये कार्यक्रम विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला और विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज नायक के निर्देशन में संपन्न हुआ। भगवान की दया से हमारे पास हॉल था, नहीं तो ये मीटिंग नहीं कर पाते हम। तो ऊपर आते समय मुझे एक पेरेंट अपने दो बच्चों के साथ एक मदर से मैं मिली। वो मदर कह रही थी कि हम नहीं आने वाले थे क्योंकि इतना पानी बरस रहा था और घर में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं आ जाऊं। और दोनों बच्चों ने इतनी जिद मचाई कि जाना है, नहीं चलो, उन्होंने कहा रहने दो, पर बच्चों ने कहा नहीं नहीं चलो, और बच्चों की जिद के चलते मैं आई हूँ। तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तो वो कौन सा, प्लीज़ आप खड़े होंगी क्या? जी हाँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जहाँ बच्चे, ठीक है थैंक यू, जहाँ बच्चे अपने स्कूल को इतना पसंद कर रहे हैं, उन्हें स्कूल आना शाम में भी इतना अच्छा लग रहा है, उसमें ऐसी मीटिंग्स की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ऐसी मीटिंग क्रिएट इसलिए की गई है कि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे बच्चा जब पहली बार अपर केजी में आता है, पीजी टू में आता है, तो मम्मी, मदर्स को, गार्जियंस को, पेरेंट को, फादर को ये लगता है उसे कोई परेशानी ना हो, अपना घर छोड़ के पहली बार जा रहा है, कौन उसे देखेगा, वहाँ उसे कौन संभालेगा, इसे ठीक से खाना भी नहीं आता, ये रात दोपहर को सोता है, ऐसी बहुत सारी बातें। पर PG-1, PG-2, LKG, UKG के बाद जब Class 1 में जाता है, फिर भी इसी तरह के सवाल सबके मन में आते होंगे कि नई बिल्डिंग हो गई, थोड़ी दूर भी है, भले IIT के पास है पर थोड़ी दूर भी है, यहाँ तो हम सबको जानते थे, जीनत मैडम थी, जीनत मैडम को, सारी टीचर्स को हम लोग जानते थे, वहाँ कौन होगा? ये सबके मन में, जो Class 1 के बच्चे हैं उनके पेरेंट के मन में ये बात आती होगी। या 2 से जब 3 में जाते हैं तो उन्हें लगता होगा, अरे सुष्मिता मैडम तो बहुत ही अच्छी थी, सब बातें, कोई परेशानी हो तो उनको कॉल करो, हमारी परेशानी सॉल्व हो जाती थी। इसी बीच आप देखिए बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, उनकी समस्याएँ भी बदल रही हैं, पहले कैसे रह पाएगा, अब उसकी कॉपी नहीं कंप्लीट होती, नोट्स नहीं कंप्लीट होते, बोर्ड से नोट नहीं कर पाता, छुट्टियों में कुछ छूट जाता हो तो इनकम्प्लीट रह जाता है, एंड सो ऑन। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, बड़े बड़े कठिन शब्द, बड़ी बड़ी बातें ऐसे, तो खुश रहने के लिए मैं ज़्यादा ना बोलूँ क्योंकि हमारे पास अभी प्रूफ ही आ गया है। हैप्पी, हैप्पी के बारे में भी अब मैं क्या बोलूँ, मैंने बता देंगे, तीनों बिल्डिंग मिला के लगभग 300 कैमरे हो जाएंगे, इससे ज्यादा कितने राव सर? 300 के ऊपर हमारे सेफ्टी कैमरे हो जाएंगे, CCTV कैमरे, सिर्फ कैमरे नहीं लगे, उनकी डेली मॉनिटरिंग होती है, दिन में 3 बार, एक बार इस बिल्डिंग में, एक बार उस बिल्डिंग में लोग होंगे। ये जाने हमने 1995-96 में 2 BHK नेहरू नगर में 30 बच्चों के साथ स्कूल को शुरू किया था, फिर 96-97 में ही हम शिफ्ट हो गए जहाँ अभी जूस फैक्ट्री है, आप लोग ने अगर नेहरू नगर को देखा है, जहाँ जूस फैक्ट्री है वहाँ हमारा स्कूल होता था, बहुत सुंदर होता था, लोग फेरी हाउस या डॉल्स हाउस ऐसा कहते थे, इतना सुंदर होता था, भिलाई में अपने तरह का पहला स्कूल था, लोग देखने आते थे कि ये कौन सा स्कूल है। फिर वहाँ से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो हम लोग 98 से 2003 तक वो कॉर्नर वाले मकान में रहे जिसको हमने अपने हिसाब से डेवलप किया था, पर मुझे बहुत जल्दी समझ में हम लोगों को आ गया कि वो बिल्डिंग हमारे लायक नहीं है। फेरी टेल में रह रहे होते, फेरी हाउस में अगर रह रहे होते हम, डॉल्स हाउस में, तो शायद हम वहाँ बड़े, तो चारों तरफ बहुत डेवलपमेंट हो गया और ये जो रोड थी जिसमें कोई ज़्यादा आता नहीं था, पर फिर भी ये सिर्फ यहाँ एक माइलस्टोन दिखता था, अब तो दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन हो गया तो माइलस्टोन दिखता नहीं है, पर इतना खूबसूरत था कि मैं क्या
नहीं है।